वाह डॉक्टर देवेंद्र वाह, क्या बात है। वहां सरकारी हॉस्पिटल एक खुला हुआ कब्रिस्तान बना हुआ है और आप यहां अपनी प्राइवेट क्लिनिक में लोगों का इलाज कर और उनसे अच्छे खासे पैसे वसूल कर। आप जैसे लोगों ने ही डॉक्टरी जैसे पाक और पवित्र पेशे को चंद रुपयों के लिए बदनाम कर दिया। क्या आप जानते हैं कि हम डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद एक शपथ लेते हैं जिसमें हम कसम खाते हैं कि हम मानवता की सेवा करेंगे, दीन दुखियों को उनके दुखों से उनके दर्दों से निजात दिलाएंगे। लोगों का मानना है कि हम डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं और इसलिए जब भी वो हमारे सामने आते हैं हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें उनकी बीमारियों से आजादी दिलाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? वहां सरकारी हॉस्पिटल में लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, एक्सरे मशीन एकदम खराब पड़ी है और यहां तक कि ऑपरेशन थिएटर की एक भी मशीन ठीक तरह से काम नहीं कर रही। लेकिन आपको क्या, आप तो यहां अपने घर पर अपनी इस क्लिनिक को बड़ी ही शान से चला रहे हैं। अरे आपको शर्म नहीं आती क्या? आप जैसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप जैसे इंसान ने ही डॉक्टरी प्रोफेशन को एकदम बदनाम कर दिया और आप जैसे लोगों की वजह से एक आम आदमी, एक गरीब आदमी डॉक्टर के पास आने से घबराता है। क्या इंसानियत नाम की कोई भी भावना नहीं है आपके अंदर? आपके अंदर की इंसानियत कहां गई मिस्टर देवेंद्र? काश आपने सोचा होता कि आप सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं एक इंसान भी है, तो डॉक्टर की हैसियत से नहीं तो कम से कम एक इंसान की हैसियत से कुछ तो रहम कीजिए। मैं कहता हूं लोगों पर कुछ तो रहम कीजिए, कम से कम इंसानियत के वास्ते अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटी को निभाने की कोशिश तो कीजिए और कभी तो एक पल के लिए अपने पैसे और सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर एक आम आदमी की तरह जिंदगी को देखने की कोशिश कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि एक आम आदमी का दर्द क्या होता है और डॉक्टरी पेशे की पवित्रता क्या होती है। समझे आप? सोचिएगा जरूर मेरी बात को।